आज है कितनी जुलाई है डीसी? 24 जुलाई और हम हैं काजा में। हमारा दूसरा दिन है काजा में। ये हम निकल चुके हैं घूमने। यहाँ एक मोनेस्ट्री है घूमने को। इधर वैसे एक है किब्बर, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, और एक की मोनेस्ट्री करके है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ की बसेज हैं जो वो जाती हैं शाम को और सुबह वापस आती हैं। तो यहाँ से या तो अपनी बाइक रेंट पे लो या फिर टैक्सी से जाओ। तो हम जो है हम अभी काजा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे साथ है चांद नवाब और विभूति बड़ौनी। ये है काजा पूरा, उधर बस स्टैंड है और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा काजा है। हाँ काजा आओ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होमस्टे ही होमस्टे हैं, आप यहाँ पे आके रह सकते हो। ऑनलाइन नहीं दिखाता या ऑनलाइन महंगे दिखाता है, तो यहाँ काजा में आओ और आने के बाद उतर के और अपने होम स्टे ले लो। बहुत होम स्टे हैं इधर, हर घर में होम स्टे है। अभी आए हैं काजा मोनेस्ट्री, ये बंद है, पता नहीं कब खुलती है, तो दिख भी नहीं रहा इधर। ये काजा मोनेस्ट्री है, जो की मोनेस्ट्री है वो आगे है 12 किलोमीटर किब्बर। ये कह रहा भाई अंदर जाने के लिए प्लीज़ काइंडली रिमूव शूज़ नियर द मेन डोर, डू नॉट टच एनी आर्टिकल इनसाइड द मोनेस्ट्री, प्लीज़ कीप द साइलेंस एंड कीप इन द मोनेस्ट्री। तो भाई यहाँ जूते वगैरह अपने दूर निकाल के चुपचाप साइलेंस। अब ये बर्फ में दोनों साइड तब कवर हो जाता होगा। पड़े हैं काजा की गलियों में और यहाँ कहाँ है BSNL का टावर, तो मतलब BSNL की भी रेंज है यहाँ। ठीक है, BSNL और जियो की रेंज है, BSNL जियो और एयरटेल। हाँ, वोडाफोन की बिल्कुल रेंज नहीं है। वोडाफोन की तो चली जाए यहाँ पे एक स्केटिंग रिंग है, बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं इधर। मस्त है यार इधर, मतलब अपने यहाँ तो भीड़ भाड़ में होते हैं ये सब, यहाँ पहाड़ों में स्केटिंग। अरे रूम्स फूड वाईफाई सी यू इनसाइड। ये होटल देजोर काजा में, देखते हैं कैसा रहेगा। मेन्यू आ गया है डीसी, देखो जल्दी से। कोर्ट्स बाद में पढ़ लियो, पहले ये मेन्यू देख ले, अभी तक तो भूख लगी इधर को।
वही इंटीरियर तो अच्छा है, बुक्स वगैरह हैं, बैठने का सही है, कैफे टाइप। सोलो उनके लिए। हाँ तू भी बैठ सकती है, सोलो ही है तू भी। कोल्ड ड्रिंक्स भी या? ना। तो हम करने आए थे लंच, लेकिन लंच तो अभी है नहीं इधर, तो अभी हमने चाय मंगाई है, मसाला चाय। चाय पीते हैं और देखते हैं लंच कितने बजे तक मिलेगा, इधर नहीं मिलता तो फिर कहीं और चलते हैं। और यहाँ पे एक कुत्ता भी है बहुत बड़ा, दिख नहीं रहा अभी। इस बोतल में तो पानी दिया है इन्होंने, क्वाइट फैंसी। बाकी ये शेल्फ, बुक शेल्फ है, इधर कोट्स वगैरह लिखे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, फनी आंसर्स हैं जिनके, सब अच्छा है। हाँ कुछ तो हमारी चाय, चाय उठा ले अभी, इस बुक को रख दे, है ना भाई। चाय आ गई, पता लगेगा पी के। पास्ता बोल दिया हमने, अभी पास्ता भी आएगा थोड़ी देर में। भूख लगी है, भूख लगी है, क्या है पत्थर? ओके दैट इज स्टोन, दैट इज क्वाइट समथिंग न्यू। चाय अच्छी है यार चाय, और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री शायद ये भी दिए हैं, वो लास्ट में पता चलेगा। एक्सपीरियंस तुम्हारा एकदम मस्त है, एकदम मस्त। दोबारा आएंगे हम इधर कभी? अजीज से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ तो जब भी हम स्पीति आएंगे दोबारा तो इधर जरूर आएंगे। अच्छा यार पास्ता वगैरह सब बिल्कुल सही था, चाय भी सब। चलो चलते हैं अब आगे। हैं अच्छा, ठीक है यार एक बार तो लाइफ टाइम में आना चाहिए इधर। हम अभी तो वैसे आए हैं, आगे क्या पता कैसे आएंगे। हम दोनों आएंगे। डीसी वहां पे रेफरी बन गया इनका, डीसी रेफरी बन गया तू। वेरी गुड, गोली ने गोल रोका। पर जा इधर आजा, हाथ पांव टूट जाए अंकल, बुढ़ापे में जुड़ा बिना आगे। बढ़े भाई स्पीति रिवर की तरफ, ये है आइस हॉकी रिंक। इधर यहाँ पे स्पीति फेस्टिवल होता है, तो ये आइस हॉकी इसलिए यहाँ पे बर्फ जम जाती है, उसके बाद में यहाँ हॉकी खेलने लग जाते हैं। और ये आ गए भाई स्पीति रिवर पे, वाह। कहाँ चढ़ गया तू? नीचे जाने का रास्ता होगा कहीं से।
कई देर से देख रहा था कि कैमरे में पता नहीं क्या आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा था सन का कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन फिर धूप इतनी थी कि ऊपर नहीं देखा, और जब देखा तो ऊपर ये था। ये है हेलो सन, मतलब हेलो अराउंड द सन, जैसे हेलो अराउंड द न्यूक्लियस होता है ऐसे ही। ये ऊपर देखो यार, काजा आना हमारा वर्थ रहा। चल इधर से, हम ऊपर से आए थे। कहाँ जाना है यार? अभी धूप में नहीं, बाद में चलेंगे। है धूप है, अच्छा है ना, तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। और धूप है यार, कोई दिक्कत है, सिर्फ हम घूम रहे हैं। ऊपर आगे से भी ऊपर जा सकते हैं वैसे तो। कहाँ से चलना है? जूले वी आर ओपन 50 meters, राइज ऑन होटल रेस्टोर। यहाँ वाइल्ड लाइफ रेंज वगैरह चल रही है, प्रोजेक्ट ऑफ ऑफिसर्स है इधर, प्रोजेक्ट ऑफिस। अब बन जाएंगे और ज्यादा होम स्टे बन जाएंगे इधर, होटल बन जाएंगे। तो अभी हमने ये काजा घूम ही लिया लगभग पूरा।